फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल में। इस चैनल में मैंने पहले एक और वीडियो दिया था जिसमें बैडमिंटन के कोर्ट की साइज बताई थी और बैडमिंटन कोर्ट भी मैंने दिखाया था। पर आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए अपने पास कोई ग्राउंड है, स्कूल में या घर के बाहर या कहीं भी मैदान में, अगर आपको कोर्ट को ड्रॉ करना है तो वो कैसे करेंगे और उसको परफेक्ट कैसे बनाया जाता है। जनरली प्रॉब्लम ये जाती है कि दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं, कोर्ट की कुल लंबाई 44 फीट होती है, चौड़ाई 20 फीट होती है, सर्विस लाइन पीछे की बैक लॉबी 2.5 फीट की, इसी तरह इस तरफ भी 2.5 फीट की। बीच में तीन पार्ट होते हैं, एक इस बैक लॉबी से यहाँ सर्विस लाइन तक का 13 फीट का, इस सर्विस लाइन से इस सर्विस लाइन तक का 13 फीट का, और इस तरफ सर्विस लाइन से बैक लॉबी की इनर वाली लाइन तक 13 फीट का। इस तरीके से ये कोर्ट पांच पार्ट में डिवाइड होता है। 2.5 की बैक लॉबी, 13 फीट का ये पार्ट, 13 फीट का सेंटर पार्ट, 13 फीट का ये अगेन सेकंड पार्ट और 2.5 फीट की बैक लॉबी। लंबाई में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चौड़ाई में कैसे होता है? चौड़ाई में आपको 1.5 फीट की साइड लाइन, बीच का ये पार्ट 8.5, फिर ये 8.5 और ये 1.5 की साइड लाइन। तो इसमें 1.5, 8.5, 8.5 प्लस 1.5, इस तरीके से लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन है। सेंटर लाइन आपको बीच में बनाना पड़ेगी जो कि 13 फीट को आधा करेंगे तो 6.5 पे आ जाएगी, यहाँ पर आपका नेट लग जाता है। अब इसको अगर हम अपने मैदान में ड्रॉ करना चाहें तो कैसे करेंगे, क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है हमको 44 फीट की, तो आप यहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें, एक लाइन ड्रॉ कर लें। अब ये लाइन 90 डिग्री से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डायगोनल कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका डायगोनल कितना होता है? 48 फीट 4 इंच। तो हम क्या करेंगे, एक आप रस्सी ले 84 फीट और 4 इंच की, एक पॉइंट उसका यहां रखें और यहां पर एक आर कट कर लें, मार्क लगा लें कोई भी। ऐसे ही इस कॉर्नर से भी यहां पर कोई एक मार्क लगा लें। फिर उसी रस्सी की लंबाई हम 20 फीट कर दें। 20 फीट करने से यहां पर उसी को यहां कट कर दें पहले वाले आर्क को, तो आपको ये कॉर्नर मिल जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो आप कोर ड्रॉ करेंगे उसकी ये लाइंस 90 डिग्री के एंगल पर होंगी और परफेक्ट रेक्टेंगल बनेगा ये। तो देखिए क्या करना है, आपको ये पॉइंट मिल गया, आप इस लाइन को कंप्लीट ड्रॉ कर दें तो ये यहाँ पर रेक्टेंगल तैयार हो जाता है। इसकी एंगल भी परफेक्टली 90 डिग्री का आपको मिलेगा। मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो हो सकता है टेढ़ा बने, पर फिर भी सीधा बनाने की कोशिश करूँगा। तो अब ये कोर्ट तैयार हो गया 44 फीट और 20 फीट का। इसके बाद जैसे मैंने बताया 2.5 फीट की आपको बैक लॉबी बनाना है, तो 2.5 फीट की आपको बैक लॉबी बना देंगे। यहाँ पर ये बैक लॉबी, इधर भी 2.5 फीट की बैक लॉबी बना देंगे। फिर यहां से 13 फीट पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से 13 फीट पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये 13 फीट, ये टोटल 13 फीट और ये टोटल 13 फीट, ये 2.5 2.5, इसके अकॉर्डिंग 2.5 13 13 13 2.5, ये आपका लेंथ वाइज डिवाइड हो गया। अब क्या करना है, इनको साइड लॉबी बनाना है। साइड लॉबी के लिए 1.5 से आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है और 1.5 से आप ये लाइन ड्रॉ, तो ये साइड लॉबी भी आपने तैयार कर ली। इसके बाद इस कोर्ट की सेंटर पॉइंट यहां पर आप नेट लगा सकते हैं, तो ये सेंटर लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं यहां पर।
सर्विस लाइन आपको विड्थ के सेंटर से जो कि आपकी 8.5 होगी यहां से यहां तक, ये आपका कोर्ट तैयार हो गया। इसमें अब सेंटर में हम नेट लगाते हैं तो नेट की हाइट ये लगभग 5 फीट आपको लेना है। ये नेट इस तरीके से लगाएंगे तो साइड में 5.1 हो सकती है पर सेंटर में आपको 5 फीट ही लेना। ये पूरी डायमेंशन जैसा कि मैंने बताया 44 फीट लेंथ और 20 फीट उसकी चौड़ाई होती है। हमारे स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनको इतने बड़े कोर्ट पर खेलने में दिक्कत आती है क्योंकि वो अपने छोटे छोटे स्टेप से इतना बड़ा कोर्ट कवर नहीं कर पाते। तो जनरली जब भी वो खेलना सीखने की कोशिश करते हैं खेलते हैं तो उनमें फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाता है क्योंकि वो परफेक्टली पीछे तक शटल नहीं डाल पाते हैं। कोर्ट में अगर शटल आती है तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर नहीं जा पाते हैं, जा पाते हैं तो दौड़ के जा पाते हैं। तो एक फ्रस्ट्रेशन की वजह से उनका इंटरेस्ट इस खेल के प्रति कम हो जाता है। पर फिर भी एक प्रॉब्लम रह जाती है कि इनिशियली जो वो टेक्निक सीखते हैं वो दौड़ के दौड़ने वाली टेक्निक सीखते हैं या 3 स्टेप में कोर्ट कवर करने वाली टेक्निक सीखते हैं, जिससे कि जब वो बड़े होते हैं तो वो टेक्निक फिर उनको भुला के एक नई टेक्निक शुरू करना पड़ता है। तो बार बार टेक्निक चेंज करने की वजह से उनमें परफेक्शन की कमी आ जाती है और ये हो सकता है एक बड़ी वजह हो हमारे बच्चों का बैडमिंटन के प्रति इंटरेस्ट कम होने की। तो उसकी एक सॉल्यूशन मैंने सोचा इस समस्या का, वो ये है कि अगर हम इसी कोर्ट में बच्चों के हिसाब से डायमेंशनिंग कर दें अलग से, कोर्ट ऐसा कैसा ही रहेगा, बस आपको जो आउटलाइन है बाहर की मार्जिन लाइन, जैसे मैंने इसको रेड कर रखा, इस मार्जिन लाइन को हम छोड़ दें तो कोर्ट लगभग 2.5 फीट यहां से और 2.5 फीट यहां से कम हो जाएगा तो टोटल लेंथ 5 फीट कम हो जाएगी। 1.5 फीट यहां से 1.5 फीट यहां से कम हो जाएगा तो टोटल विड्थ आपकी 3 फीट कम हो जाएगी। तो कोर्ट आपका रह जाएगा 17x39 का और उनके लिए हम अलग से अलग कलर की आपकी मार्जिन कर दें, जैसे बैक लॉबी अलग से बना दें कि बैक लॉबी यहां बना दी 2.5 फीट की, यहां पर बैक लॉबी 2.5 फीट की अलग से बना दी, बाकी कोई चेंजेस नहीं करें। साइड लॉबी आपकी 1.5 फीट की अलग से बना दी, यहां पर भी साइड लॉबी आपकी 1.5 फीट की अलग से, बाकी एज इट इज रहेगा। केवल हम क्या करें, नेट की जो हाइट हम 5 फीट ले रहे हैं इसको कम करके 4 फीट कर दें, जिससे कि 14 साल से कम एज के बच्चे या 10 साल से कम एज के बच्चे उसमें आसानी से स्टेप से खेल पाए और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ पाएगा। अगर हम घर में या स्कूल में कोर्ट बनाते हैं तो कोई बुराई नहीं है, 2 लाइन आपको और ड्रॉ करना है, अंदर वाला कोर्ट आप बच्चों के लिए रखिए, बाहर वाला कोर्ट बड़ों के लिए रखिए, तो बच्चे भी कॉन्फिडेंट रहेंगे, उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और वो सही टेक्निक से उस गेम को सीख पाएंगे, जिससे कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा प्लेयर बन पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।